चल लड़की, दूर चली जा इस घर से, और जरा सी भी गैरत बाकी है ना तो इस घर में वापस मत आना मन्नत। नानी अम्मी प्लीज, मन्नू को अपनी गलती का एहसास हो चुका है नानी अम्मी। इसने अगर गलती की होती ना इबू तो शायद मैं इसे माफ भी कर देती, मगर इसने जो किया है वो गुनाह है। चल निकल, निकल यहाँ से। किधर घुसी चली जा रही है? तेरी इस घर में अब कोई जगह नहीं है मन्नत, निकल जा यहाँ से। मैं कह रही हूँ निकल जा, वरना मोर मोर के तेरे मुंह का रंग बदल दूंगी। नानी अम्मी, कैसी नानी अम्मी और किसकी नानी अम्मी? मर गई नानी अम्मी, उसी दिन मर गई थी तेरी नानी अम्मी जब तू उस आवारा आशिक के साथ भाग गई थी। तब याद नहीं आई तुझे अपनी नानी अम्मी की? मैं कहाँ जाऊंगी नानी अम्मी? कहीं भी जा, और अगर कोई जगह ना मिले ना तो जमुना नदी में बहुत पानी है, उसमें डूबकर अपनी जान दे दे। वैसे भी तुझ जैसी लड़कियों को जीने का कोई हक ही नहीं। तूने जो किया है ना मन्नत, उसके बाद तो तुझे मर जाना चाहिए। ये अगर यहाँ पर रही ना, मैं आप सबको बता रही हूँ, ये इबादत की जिंदगी खराब कर देगी, आग लगा देगी इबादत की जिंदगी में। अरे खुद तो मोहब्बत की कदर की नहीं, अब इबादत से जल भून कर उसकी जिंदगी खराब करेगी। खड़ी क्या? मैं कह रही हूँ निकल यहाँ से, निकल। सब कुछ नहीं करूंगी नानी अम्मी, आप समझाइए ना नानी अम्मी को, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, बोलिए ना अम्मी। सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? निकल जा मन्नत। तू जिस निगाह से सुभान और इबादत को देख रही थी ना, उससे मुझे तेरे इरादों का अंदाजा हो चुका है। तू अगर इस घर में रही तो इबादत की जिंदगी में जहर घोलने के अलावा और कोई काम नहीं करेगी तू। मेरी बहन है इबादत नानी अम्मी, ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अम्मी अब बोलिए ना नानी अम्मी को, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। अम्मी आपको भी लगता है कि मैं यहाँ इबादत की जिंदगी में आग लगाने आई हूँ? दुआ से क्या बात कर रही है तू? मुझसे बात कर, मैं जवाब दूंगी तुझे तेरी हर बात का। तेरी वजह से मेरी बेटी मरते मरते बची है मन्नत। भरे मंडप में मेरा पोता रुसवा हुआ है, अपने बाप की बनी बनाई इज्जत पर कीचड़ उछाला है तूने, सारे खानदान के गुरूर पर थूक के गई है तू। और भागी उस दो कौड़ी के आवारा आशिक के साथ, और अब जब मैं तेरी आंखों के सामने तेरे कारनामों का आईना दिखा रही हूं तो तुझे हैरत हो रही है। हैरत तो तुझे इस बात की होनी चाहिए कि तू अभी तक जिंदा कैसे है, वरना तूने जो कारनामे किए हैं ना उसके बाद तो तुझे मर जाना चाहिए। क्या क्या नहीं किया तूने? तेरी शरीफ ज़हीन इबादत पर तूने अपने होने वाले शौहर पर डोरे डालने का इल्जाम लगाया। ये क्या खेल खेला जा रहा है मेरे साथ दादी अम्मी? बताइए ना, ये इबादत, ये मेरी बहन है ना, इसने मुझे हवा तक नहीं लगने दी अपने इरादों की। दोनों ने मुझे अंधेरे में रखा है, सारे के सारे खानदान को पुलिस के हवाले करने की धमकी दी। फरहान के साथ मैंने निकाह कर लिया और अल्लाह की कसम हम दोनों बहुत खुश हैं। अगर आप लोगों ने मुझे परेशान करने की या फिर ढूंढने की कोशिश की तो मैं बता देती हूँ कि मैं बालिग हूँ और इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जाकर कर दूंगी। गुनाह किया तूने और भुगत रही है मेरी इबादत। उस सड़क छाप फरहान के साथ भागी तू और सुभान की नजर में जिम्मेदार रही मेरी इबादत। क्या तुम जानती थी मन्नत फरहान के कांटेक्ट में? सुभान हाँ, या ना? हाँ। और तुमने मुझे फिर भी नहीं बताया। ये सिला दिया तुमने दोस्ती का मुझे। अरे दोस्त होकर दुश्मन से बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। ये मेरी बेइज्जती का सहरा तुम पे जाता है। गुनाह किया तूने और कायनात के थप्पड़ खाए मेरी इबादत ने। तेरी वजह से मेरी दुआ मरते मरते बची है। अम्मी! अम्मी! जानती है दिल का दौरा पड़ा दुआ को। इन्हें हार्ट अटैक आया है। इन्हें कोई बहुत बड़ा शॉक लगा है। इनके सामने कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जिनसे इनका स्ट्रेस बढ़ जाए, वरना दुआ जी की जान को भी खतरा हो सकता है। वो तो खुदा जाने किसकी दुआ लगी कि वो बच गई, वरना तूने तो मार ही डाला था उसे। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले मन्नत, अगर आज के बाद तूने दुआ को अम्मी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तू? अरे तुझ जैसी औलाद से तो बेऔलाद होना अच्छा है। खुदा तेरी जैसी औलाद किसी को ना दे। माफ कर दीजिए नानी अम्मी। अम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं जानती हूँ फरहान के बहकावे में आके मैंने बहुत गलत किया है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था कि वो धोखेबाज निकलेगा। अच्छा तो वो धोखेबाज निकला इसलिए तू शर्मिंदा है मन्नत? अगर वो सही इंसान निकलता तो तूने जो हमारे मुंह पर कालिक मली है उसका तुझे जरा भी अफसोस नहीं होता ना? बता, अगर फरहान सही इंसान निकलता तो क्या तू फिर भी हमसे माफी मांगती? अगर वो अच्छा होता तो क्या तू फिर भी उसे छोड़कर इस घर में वापस आती? सच ये नहीं है कि फरहान धोखेबाज है, सच ये है कि तू धोखेबाज है। अरे फरहान ने तो तुझे धोखा दिया जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था, मगर तूने अपने खून को धोखा दिया है मन्नत। तूने अपनी माँ के साथ चालाकी की, तूने अपनी माँ की पीठ पर छुरा भोंका जिसने 9 महीने तक तुझे अपनी कोख में रखा। बदकार जलील लड़की, इस घर से भागने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरी माँ पर क्या गुजरेगी? एक बार तूने ये नहीं सोचा कि पूरी दिल्ली शहर में वो अपना मुंह किसको दिखाएगी? सोचा था तूने? सोचा था? बदतमीज, बदकार, बेहया बच्चल लड़की, दूर चली जा इस घर से। और जरा सी भी गैरत बाकी है ना तो इस घर में वापस मत आना मन्नत। चल निकल। नानी अम्मी प्लीज माफ कर दीजिए। नानी अम्मी प्लीज, अम्मी अम्मी रोकिए ना प्लीज, बोलिए कुछ मुझे माफ। मन्नत मैंने कहा मेरी बात सुनिए। रुक जाइए आप, अब बच्ची है, गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना। छोड़िए छोड़िए, जाने दीजिए। तातिया अम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं, मन्नत के साथ ऐसा सलूक मत कीजिए ना प्लीज। तेरा दिल बहुत पसीज रहा है, बीच में मत आना वरना तेरा वो हश्र करूंगी, जिंदगी भर याद रखेगा। अरे मेरे अरमान का क्या कसूर है? ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? खुदा के लिए आप ऐसा जुल्म मत कीजिए, बच्ची पर मत निकालिए इसे घर से। नाखून टूट जाए तो आप उंगली थोड़ी ना काटेंगी आप। रूहान की अम्मी और अरमान मन्नत को रोकने के लिए इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? क्या लालच है इनको? मत कीजिए, जाने दीजिए। उल्लास बीबी चुप हो जाओ, मैंने कहा ना कोई बीच में नहीं बोलेगा। और यहाँ सभी से कह रही हूँ, कोई भी अगर आज बीच में पड़ा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मन्नत को इस घर से जाना ही होगा। चल निकल। छोड़िए मुझे। आप मुझे घर से कहीं नहीं फेंक सकती, समझिए आप। ये मेरा भी घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझिए आप। तू मुझे समझाएगी? अरे आपा चल। आपा रुक। बदतमीज, ये घर मेरी बेटी का है, सुना तूने? और तू मेरी बेटी के लिए मर चुकी है। मैं भी देखती हूँ तू कैसे नहीं निकलेगी। निकल। ये घर मेरी बेटी का है और तू इसके लिए बहुत मर चुकी है। क्या कर रही है आप नानी अम्मी? इबादत हट जा यहाँ से। बीच में मत आना बेटा, तू अपनी गृहस्थी संभाल। मन्नत ने तेरे साथ जो कुछ भी किया है ना, इसकी जो हरकतें हैं ना, उसके बाद इसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। नानी अम्मी प्लीज, मन्नू को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। नानी अम्मी प्लीज उसे माफ कर दीजिए। इसने अगर गलती की होती ना इबू, तो शायद मैं इसे माफ भी कर देती, मगर इसने जो किया है वो गुनाह है। ऐसा गुनाह जिसे माफ नहीं किया जा सकता। नानी अम्मी प्लीज। इबू हट जा यहाँ से, हट जा, मैं कह रही हूँ। मुझे मत रो प्लीज, मुझे मत रो कि बू। अगर ये यहाँ रही ना तो तेरी खुशियों में आग लगा देगी बेटा। तेरी गृहस्थी को खा जाएगी। घड़ी घड़ी देख क्या रही हो कायनात? आपा को रोको, मन्नत को बचाओ। इबादत और सुभान का निकाह हो चुका है, अब ये धोखेबाज मेरे किस काम की? रहने दो। क्या कह रही हो कायनात? इबादत से निकाह करके सुभान की जिंदगी आबाद नहीं बर्बाद हो गई है। मन्नत तुम्हारे लिए बहुत बड़ी काम की चीज है कायनात। वो कैसे है वो मैं बाद में समझाऊंगी, फिलहाल तुम मन्नत को बचाओ, वरना तुम बहुत पछताओगी कायनात। रहने दो, मान लो मेरी बात, बचा लो मन्नत को। मन्नत तुम्हारे लिए हुकुम का साबित होगी। इसे यहाँ से निकलना ही होगा। निकल यहाँ से। रुक जाओ। मैंने आज तक तेरे हर फैसले में तेरा साथ दिया। जब सारा का सारा खानदान तेरे खिलाफ था, मैं तेरे साथ खड़ी थी। आज भी मैं अपना फर्ज पूरा करूंगी। इससे बचाकर मैं तेरी खुशियों में आग नहीं लगने दे सकती बेटा। नानी अम्मी आप। अम्मी अम्मी प्लीज, सुभान प्लीज समझाओ ना नानी अम्मी को, कुछ तो बोलो। अम्मी, अम्मी मन्नू का हमारे सिवा कोई नहीं है, वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी? प्लीज प्लीज अम्मी, मन्नू को रोक लीजिए। नानी आपको समझाइए ना प्लीज। अम्मी प्लीज। हाँ हाँ दुआ, इबादत बिल्कुल सही कह रही है। दुआ तुम ही हो जो आपा को रोक सकती हो। बुढ़ापे में इनका दिमाग खराब हो गया है, खुदा के लिए इन्हें रोक लो। दुआ मत जाने दो मन्नत को, समझने की कोशिश करो दुआ। दुआ, खुदा के लिए दुआ। रूहान की अम्मी बिल्कुल सही कह रही है खालाजान। मैं मानती हूँ इस लड़की ने बहुत गलत किया है। खानदान, रुतबा, हैसियत, सब कुछ बेजान चीजें। इस लड़की ने तो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि इसे रोक लीजिए। उस फरहान ने इसके साथ पहले ही बहुत गलत किया। जरा सोचिए, एक जवान बेसहारा लड़की दिल्ली की सड़कों पर अकेले घूमेगी? नहीं, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। आप सोचिए, आप तो जानती है ना माहौल। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे रोक लीजिए। खुदा ना खास्ता इसके साथ कुछ गलत हो गया तो हमारे पूरे खानदान की बदनामी होगी। इसे रोक लीजिए खाला जान, रोक लीजिए प्लीज। तो भाभी ये जैसे भी है जो भी है तो मेरे हैदर भाई की निशानी। प्लीज इसे बर्बाद होने से रोक लीजिए। आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, उसे रोक लीजिए। मेरी बात सुनो दुआ, तुम्हें हमारे बच्चों को अच्छी तरबियत देनी है। मुझसे वादा करो, वादा करो, उन्हें कभी तनहा नहीं छोड़ोगी। दुआ भाभी प्लीज। कायनात, तुम मेरी बेटी को बहकाने की कोशिश मत करो। और तुम्हारा क्या लालच है इससे? इस लड़की का यहाँ से चले जाना ही सबके हक में होगा। नानी अम्मी खुदा के वास्ते प्लीज मनु को रोक लीजिए। वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी नानी अम्मी? क्या छोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मान जाइए ना नानी अम्मी। मैं फैसला कर चुकी हूँ इबादत। दुआ बेगम रोक लीजिए, वो मेरे हैदर भाई की निशानी है। खुदा के वास्ते रोक लीजिए, कुछ तो करिए। निकल यहाँ से प्लीज, रुक जाइए नानी अम्मी। खुदा के लिए रोक लो आप आपको। अम्मी रुक जाइए। मन्नत कहीं नहीं जाएगी। जज्बाती मत बंद हुआ। ये मेरे हैदर की औलाद है अम्मी। हैदर भी इस पे लानत भेज रहा होगा। नानी अम्मी मैं आपसे अपनी जिंदगी का सदका मांगती हूँ। प्लीज मन्नत को मत निकालिए। मेरी शादी पे मुझे मन्नत की माफी का तोहफा दे दीजिए। माफ कर दीजिए। इबादत तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी ले सकती हूँ, मगर मन्नत को माफ नहीं कर सकती। मेरे लिए आपको ये कड़वा घूट पीना होगा नानी अम्मी। काश कि तू वो देख पाती जो मैं देख पा रही हूँ। इसका यहाँ रहना, खैर अगर तू ऐसा चाहती है तो यही सही, मगर मेरी एक बात याद रखना इबू, बिच्छू से दोस्ती अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसकी फितरत होती है डंक मारना, और वो ऐसा करना कभी नहीं छोड़ता। देख लिया दगाबाज लड़की, तू अगर मेरी इबादत के कदम भी चूम लेना तो उसके एहसान नहीं उतार सकती। अरे क्या क्या नहीं किया तूने, मगर आज मेरी इबादत ने ही तुझे बचा लिया। मैं तुझे इस घर में रहने की इजाजत देती हूँ, मगर इसे मेरी इबादत की जान का सदका समझना। मनु, मनु, थैंक यू सो मच। थैंक यू मत बोलो मनु। बेवकूफ इबादत, जिसे तू गले लगा रही है वो ही कल तेरा गला काटेगी। मैं खबरदार जो मुझे अम्मी कहा। अम्मी नहीं हूं मैं तुम्हारी, मैं सिर्फ इबादत की अम्मी हूं। तुम्हें इस घर में पनाह देना मेरा फर्ज था। मेरे फर्ज को मेरी मजबूरी कभी मत समझना। मैं तुम्हारी सूरत से भी नफरत करती हूँ। एक बात का ख्याल हमेशा रखना, अगर तुम्हारी वजह से मेरी इबादत की गृहस्थी में परेशानी आई ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि मैंने तुम्हें अपनी हैदर की औलाद समझकर इस घर में पनाह दी थी। वाह दुआ, वाह। पहले सांप को पनाह देने का फैसला किया और अब उसे ना डसने की सलाह दे रही है। तू चाहे कितना भी समझा ले इसे, ये अपनी फितरत से बाज नहीं आएगी। और देखती रह तू अब क्या क्या कहर ढाती है ये इस घर में। सुभान, जानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की, जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ और तुम बहुत अच्छे हो। इसलिए थैंक यू मुझे बचाने के लिए, मुझे इस घर में वापस लाने के लिए। थैंक यू सो मच। तभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए। Shut up! तुम्हारे लिए मेरे दिल में नफरत भी नहीं है। इतनी ज्यादा गिर चुकी हो तुम। और मैंने तुम्हें बचाया इसलिए नहीं कि तुमसे मोहब्बत करता हूं, इसलिए बचाया कि तुम मेरी बीवी की बहन हो। और तुम्हारा सुभान नहीं हूं मैं, तुम्हारी बहन का शौहर हूं। और इस रिश्ते की इज्जत रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।